नमस्कार। अभी जो वेदर स्थिति हमारे प्रदेश में बन चुका है, ये देख रहे हैं आप विजिबल सैटेलाइट इमेज। प्रदेश के ऊपर ये कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण काफ़ी बादल बन चुका है। दिन में हाई टेम्परेचर एवं नमी मिल रहा है प्रदेश में सदर्ली साउथ ईस्टर्ली हवा के साथ, एवं ये आ रहा है मोस्टली साउथ होते हुए। साथ साथ में देखा जा रहा है प्रदेश के आसपास एरिया में हवा के विसंगति यानी कि विंड डिसकंटिन्यूटी बना हुआ है एवं आगामी दिनों में ये कंटिन्यू करेगा। इसके आधार पर जो पूर्वानुमान प्रदेश के लिए है, कोंकण गोवा आज के दिन कोरडे रहना की शक्यता, इसके बाद कल से लेके अगला तीन चार दिन यानी कि 7, 8, 9, 10 ये पीरियड तुरलक ठिकानी मोस्टली अति हल्का से हल्का पावसाची शक्यता आहे। नेक्स्ट कमिंग टू मध्य महाराष्ट्र। मध्य महाराष्ट्र आज के दिन मेघ गर्जने कड़कड़ाहट सहित तुरलक ठिकाणी पावसाची शक्यता एवं आगामी दिनों में भी इट विल कंटिन्यू, बट 7th गारा पड़ने शक्यता है यानी कि चांस ऑफ हेल इज देयर। साथ में मोमेंटरली स्ट्रांग विंड इट मे बी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 7-8-7 तारीख गारा पड़ना की शक्यता, 7th-8 ये स्ट्रांग विंड रहेगा एंड 9th मेगा गर्जना कड़कड़ाहट एवं 10th थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मराठवाड़ा ऑलमोस्ट सेम पूर्वानुमान मध्य महाराष्ट्र जैसा ही, टुडे 6th मेगा गर्जना कड़कड़ाहट, 7th गारा पड़ने की शक्यता, 7th-8 साथ में मोमेंटरली स्ट्रांग विंड यानी के 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा, 9th मेगा गर्जना कड़कड़ाहट एवं 10th भी तुरलक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे। 7th-8 मोरलेस प्रदेश में ये